हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हम एरर्स पढ़ रहे थे। हमने देखा था एरर क्या होता है, एरर की टाइप्स क्या होती हैं। इसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर देखा, मीन एब्सोल्यूट एरर देखा, रिलेटिव एरर देखा और परसेंटेज एरर देखा। ठीक है, अब आज देखो, अगर देखो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलती है। तो जिन क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे। तो फाइनली हम एरर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पार, हम हर केस में पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि फाइनली एरर को ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स को कंबाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन देखो, एडिशन। ठीक है, हमने दो क्वांटिटीज को ऐड करना है। मान लो हमारे पास फंक्शन है x, जो है a प्लस b के इक्वल है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब a और b को ऐड कर रहे हैं तो x मिल रहा है। अभी ये जो a और b है, मान लो क्या है, ये दो मार्कर्स हैं। ठीक है, हम इनकी लेंथ ऐड कर रहे हैं, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर, इसकी मान लो 9 सेंटीमीटर। इसके साथ इनके कुछ एरर्स भी होंगे। तो देखो, हम मान लेते हैं x में, ठीक है, लेट डेल्टा x, डेल्टा a एंड डेल्टा b, ये क्या है, b एब्सोल्यूट एरर्स इन x, a एंड b रिस्पेक्टिवली। x में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x, a में डेल्टा a और b में डेल्टा b। ठीक है, तो जब ये एरर्स हम इसमें डाल देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, a बन जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b बनेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन कर दी। तो देखो, a और b को साथ में लिख देते हैं, a प्लस बी। ठीक है, बीच में प्लस का साइन था दोनों में, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो नेक्स्ट स्टेप, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस बी, देखो x के इक्वल, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये देखो, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम लिख देते हैं, या इस तरह से लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इक्वेशन नंबर टू। अभी देखो, यहां पे हमारे पास फोर पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। क्या क्या फोर वैल्यूज क्या क्या आ रही है, देखो ध्यान से। तो देखो, हमारे पास डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस के, या फिर फर्स्ट वाला माइनस का सेकंड प्लस का, या फिर फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का। तो ये हमारे पास फोर वैल्यूज आई। तो क्योंकि प्लस और माइनस दोनों थे, तो ये फोर पॉसिबल वैल्यूज आई। मगर हम क्या करते हैं, एरर में हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली होगी। ठीक है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो हमारा जो एरर आएगा डेल्टा एक्स, वो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो हमने देखा, ये जो एरर है, एरर आया, फाइनली जो एरर आया एक्स में, एब्सोल्यूट एरर, वो दोनों वैल्यूज के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके मिलेगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
और अगर हमें फाइनल रिजल्ट लिखना है इसका, तो हम इस तरह से लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू, अब देखो x किसके इक्वल, तो a प्लस बी के इक्वल x, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x किसके इक्वल है, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हमारा आया फाइनल रिजल्ट। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया, एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हुए, और फाइनल रिजल्ट में देखो इस तरह से x की वैल्यू ये आ गई और डेल्टा x की वैल्यू ये आ गई, तो ये आया फाइनल रिजल्ट। तो अभी इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प लेते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, ठीक है, हमारे पास दो लेंथ L1 है जो मान लो 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, फर्स्ट मार्कर की लेंथ मान लो, देखो हम क्या करें, दो मार्कर्स, ठीक है, अभी इनकी वैसे 2-2 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, जो भी हमने मान लिया इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसमें एरर है 0.2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ले ली 3 सेंटीमीटर और मान लो इसमें एरर है 0.3 सेंटीमीटर, तो फाइनली जो हमारे रिजल्ट आएगा एरर को मिला के वो क्या आएगा, देखो तो सेकंड लेंथ हमने ली L2 मान लिया 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, तो हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ, तो किस तरह से करेंगे देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास जो L आएगा, L मतलब L1 प्लस L2 टोटल लेंथ, इसमें एरर भी जुड़ेगा, तो ये बनेगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यही फॉर्मूला हमने लिखा था, पहले L की वैल्यू, तो L मिलेगा दोनों को ऐड करके, ठीक है, एडिशन करनी, प्लस माइनस एरर्स में दोनों को ऐड करते हैं, दोनों वैल्यूज के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं, तो देखो L1 प्लस L2, तो L1 2 है, L2 3 है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा 0.2 या आगे डेल्टा L1 प्लस 0.3, ये पूरा सेंटीमीटर में, तो यूनिट्स बड़े जरूरी है, यूनिट्स पक्का लगाने, तो ये आया 5 प्लस माइनस, ठीक है, 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करो पहले दोनों लेंथ को ऐड करो, फिर क्या करो, क्योंकि एडिशन है, एरर्स ऐड होंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, तो ये आया L प्लस माइनस डेल्टा L। इसको लिखने का एक और तरीका है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा L प्लस माइनस डेल्टा L, ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा L बाय L इनटू 100%, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 प्लस माइनस डेल्टा L 0.5 डिवाइडेड बाय L 5 इनटू 100%, तो इनको कैंसिल करके ये मिला 0.1, तो हम इसको लिखते हैं 5 प्लस माइनस कितना आया है, ठीक है, आया 10%, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से दो, ठीक है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम उनको इस तरह से ऐड करते हैं, अगर साथ में एरर भी लेना है तो एरर को क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, तो ये हमने सिंपल टर्म्स में लिख दिया एब्सोल्यूट एरर में, और ये लिखा परसेंटेज एरर में, ठीक है, तो इसमें 10% का एरर आया। अभी देखो नेक्स्ट हम ऑपरेशन लेते हैं सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्या एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, देखते जल्दी से, तो देखो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अभी दो क्वांटिटीज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो इस तरह से लेट x इक्वल्स टू
a माइनस बी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। मान लो हमने क्या करना है, ये दो मार्कर्स है ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है इसकी कुछ लेंथ है, मेरे को देखना है ये वाला मार्कर ठीक है, ये ब्लू वाला मार्कर ब्लैक वाले मार्कर से कितना बड़ा है ठीक है। तो हम दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट देखने की बात ये है कि एरर्स के साथ क्या होगा, एरर्स ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइड होंगे मल्टीप्लाई देखते हैं। तो अभी हमने ये इक्वेशन ले ली जनरल जो भी हमें दी हुई है ठीक है, ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करके एक्स मिल रहा है, इसके बाद एरर्स जोड़ने हैं। तो हम लिखेंगे लेट डेल्टा एक्स डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी एब्सोल्यूट एरर्स ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स से स्टार्ट करते हैं इन एक्स ए एंड बी respectively। तो अगर ये absolute errors है तो first equation क्या बनेगी, x plus minus delta x equals to a plus minus delta a minus b plus minus delta b ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो absolute errors है ये इनमें put कर दिए ठीक है, तो absolute errors है, value बढ़ा भी सकते कम भी कर सकते, तो plus minus दोनों आ गए। ब्रैकेट ओपन करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने एडिशन वाला किया था, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, अभी आगे ध्यान दो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस ये माइनस ये माइनस तो प्लस, तो प्लस माइनस बन गया माइनस प्लस, ये आ गया डेल्टा b। अभी देखो x प्लस माइनस डेल्टा x ये आ रहा a माइनस b, ए और बी को साथ में लिख दिया बीच में माइनस का साइन है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अभी देखो ए माइनस बी तो एक्स के इक्वल है ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी क्लियर है। अभी देखो एक्स कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, इक्वेशन नंबर टू। तो हमने निकाल दिया एब्सोल्यूट एरर। अभी यहां पे भी फोर पॉसिबल वैल्यूज है, दो वैल्यूज यहां से मिलेंगी दो वैल्यूज यहां से मिलेंगी, तो लिखते हैं फोर वैल्यूज कौन कौन सी आई ठीक है, फोर वैल्यूज कौन कौन सी आई, तो देखो पहली आई दोनों प्लस की, फिर दोनों माइनस की, फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर पहला प्लस का दूसरा माइनस का। ये जो फोर पॉसिबल वैल्यूज आई है हमारे पास, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने लेनी है ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉजिटिव दोनों प्लस है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो यही हमारा एरर होगा ठीक है, हम यही इसको ही मान लेंगे एरर, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एरर की हम उसी को लेते हैं। तो डेल्टा एक्स जो है वो हमारा आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखो सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एब्सोल्यूट एरर्स को ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर्स को दोनों एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करके फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई a माइनस बी, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो हमें क्या किया, x की वैल्यू a माइनस बी के इक्वल लिखी, प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू ये डाल दी, तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करेंगे, बाकी ऑपरेशन जैसा है ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसा है, हमें अगर उसको ऐड करना है तो ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, मगर एब्सोल्यूट एरर्स को हमेशा ऐड करेंगे। तो देखो एग्जांपल, अभी देखो कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लो हमने क्या करना है, हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उधर हमारे पास टेम्परेचर आता है ये इनिशियल वैल्यू ठीक है, इनिशियल वैल्यू है टेम्परेचर की मान लो 40 प्लस माइनस
0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू थी टेम्परेचर की वो ये थी, और फाइनल वैल्यू हमें मिली मान लो 100 प्लस माइनस 0. कुछ भी ले लो, 0.3 ले लो, थोड़ा इजी रहेगा, 0.3 ले लो। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली टेम्परेचर की, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल है। हमने निकालना है राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ये जो राइज इन टेम्परेचर, चलो मान लो इसको टी डैश से करो, क्योंकि डेल्टा टी तो एरर भी आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को भी डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। तो हमने मान लिया राइज इन टेम्परेचर जो है वो है टी डैश। तो निकालते हैं किस तरह से करेंगे, एरर जोड़ना है, एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना। तो देखो टी डैश हमने लिखा, ठीक है, राइज देखना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्लियर है। तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर्स को भी। तो देखो डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी आई, ध्यान दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू पुट करो, फाइनल 100 और इनिशियल 40 यूनिट्स डाल दो, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर्स फाइनल का 0.3 और इनिशियल का 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बना, 60 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 60 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हमने परसेंटेज एरर में लिखना है तो हम लिखते हैं टी डैश इक्वल्स टू जो फाइनल वैल्यू आई हमारी वो होगी 60 प्लस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो ये क्या आएगा, देखो देखो ये क्या बनेगा, 60 प्लस माइनस 8.3 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज, ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, मान लो क्या आता है 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो आता है कुछ भी ले लो 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इन्होंने हमें बोला है, क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, तो हमने देखना है राइज कितना आया, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर कितना आया। मान लो इसको हम डिनोट करेंगे टी डैश, तो टी डैश कितना होगा, तो देखो सॉल्यूशन, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो हमने लिखा टी डैश, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये तो आ गया इनकी वैल्यूज की बात, अभी हमने इसमें जोड़ना है क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो देखो हमने फाइनल रिजल्ट में देखा था कि हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं, तो ये आया डेल्टा टी फाइनल प्लस डेल्टा टी इनिशियल, तो ये आ गया फाइनल 40 माइनस इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस ये आया 0.3 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आया 20 डिग्री सेल्सियस
प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना राइज हुआ टेम्परेचर, ठीक है, इतना डिफरेंस आया दोनों टेम्परेचर के बीच में। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, मान लो अगर हमने परसेंटेज एरर में लिखना होता तो ये आता 20 प्लस माइनस, तो ये आया 0.5 डिवाइडेड बाय कितना 20 इंटू 100%। ठीक है, क्या फॉर्मूला, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100%, तो ये डिग्री सेल्सियस में, तो ये आया हमारे पास 5, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस माइनस 2.5% इतना डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है। तो ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे क्वांटिटीज को, बट जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हमेशा ऐड करेंगे। जैसे इस केस में हमने इनके एरर्स को ऐड किया, एरर्स को ऐड करके ये फाइनल रिजल्ट आया, और इस तरह से हमने इसको परसेंटेज में लिख दिया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो आज हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम एरर्स को कंबाइन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो फाइनल रिजल्ट था, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पार्ट्स में क्या होगा, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।